गाइस कैसे हो आप सब। उनका तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम लप्पू सर, आप देख रहे थे भी किसी हम लोग। तो गाइस यार, अपन लोग जो फिश फार्मिंग वाला बना रहे थे वो हो गया डे 8 या फिर डे 9, तो मुझे याद नहीं है। और ये अपन का, यही अपन की जेसीबी। और अपन का काम यार बहुत ज़्यादा पूरा हो चुका है, तो कल बस और इसमें काम करेंगे। डे 10 लगे हमको। वैसे बीच बीच में मशीन नहीं आई, फिर भी मैं वीडियो डालता रहा, एक वीडियो के दो पार्ट कर गए, तो मान लो 6-7 दिन लगे। अभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ यार। वहाँ पास अपन का नरवा रहा, तो अपन ने उसको भाटा और अच्छे से ये कर दिया। अब कितना अच्छा दिखने लगा है गाइस, आप खुद इमेजिन करो। और ये इसको खोद के वहाँ से कल निकाल देंगे और अपन का काम डन। तो ये रहे अपन के दोनों मैसी। और गाइस यार, अपन की जेसीबी का कुछ नेम अपन को रखना है, तो आप बताइएगा क्या नेम रखना है अपन की जेसीबी का, और अपन के दोनों मैसियों का, और अपन के तीनों सोनालिका का, आप बताइएगा। और अपन की वो वाली जेसीबी है उसका भी नामकरण करना है, आप बता दीजिएगा। और ये काम ही चल रहा है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस यार, सूरज आ रहा है उस साइड, तो काला काला दिख रहा होगा, बट देख लीजिए। थोड़ा अपन लोग वहाँ डालते हैं, और यहाँ बीच में थोड़ा सा कमेगा, यहाँ बीच में और यहाँ पास। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये देखो, मैं बताया था ना गाइस यार, यहाँ कम रहा और इसको का हम लोग उठा देंगे। गाइस यार, अपन का दूसरी बार आ चुका है अपन का ड्यू ट्रैक्टर। अब देखते हैं यार, अभी इसको हम लोग कर देंगे बराबर, ये जो बीच में टीले दिख रहे हैं। और फिर अपन का फिश फार्मिंग तो गाइस यार बहुत ही अच्छे से होने वाली है। और ये दरअसल हमारा नहीं है, किसी और के लिए बना रहे हैं, तो अभी मैं बताऊंगा।